इस्लामिक कैलेंडर के शुरुआती महीने मुहर्रम की 9वीं तारीख को मुहर्रम करबला कमेटी के जानिब से करबला मैदान जीई रोड में इस्तेकबालिया प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मिनी इंडिया के नाम से जाने जाने वाले भिलाई में निवास करने वाले मुख्तलिफ कौम के नुमाइंदों को दावत दी गई और उन सभी का शॉल देकर इस्तेकबाल किया गया। भिलाई को यूं ही मिनी इंडिया का नाम नहीं दिया गया है। भिलाई में निवास करने वाले सर्वधर्म समुदाय के लोग एक दूसरे के सुख दुख तीज त्योहार में शामिल होकर एक दूसरे का दुख और सुख को बांटते नजर आते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुहर्रम करबला कमेटी भिलाई ने मुहर्रम की 9वीं तारीख को शहर भर के मुख्तलिफ समाज के लोगों को दावत दी और उनका इस्तकबाल किया एवं मुहर्रम के मौके पर 10वीं तारीख को निकाले जाने वाले तजिया की नुमाइश भी की, साथ ही इस प्रोग्राम में शामिल होने की गुजारिश भी की है। इस प्रोग्राम में भिलाई नगर विधायक बतौर मेहमान खुशूसी शामिल हुए, साथ ही दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा अपनी पूरी टीम के साथ करबला कमेटी की दावत को स्वीकार करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस प्रोग्राम में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों विधायक देवेंद्र यादव एवं सर्व समाज के नुमाइंदों का इस्तकबाल शॉल देकर किया गया। करबला मैदान में नुमाइश के लिए रखी गई ताजिया को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस भीड़ ने इस ताजिया पर अपनी अकीदत पेश करते हुए अपने सिर को झुकाया और करबला में शहीद हुए शहीदों को याद करते हुए उनकी आंखें भी नम हो गई। प्रोग्राम में शिरकत करने वाले सभी मेहमानों ने मुहर्रम करबला कमेटी की इस पहल को दिल से सराहा और इसे कौमी एकता की मिसाल बताई। भिलाई, जिसे हम मिनी इंडिया कहते हैं, स्टील सिटी कहते हैं और लघु भारत कहते हैं, आज इस लघु भारत में यहाँ की करबला कमेटी ने एक नई ईजाद की है, एक नई तरक्की के राह का उसमें पदार्पण किया है। सभी समाज के लोगों को जोड़ करके एक साथ यहाँ पर कौमी एकता की जो मिसाल पेश की गई है, ये आने वाले समय के लिए सदैव यादगार रहेगी। मैं समस्त भिलाई, जिसे हम मिनी इंडिया कहते हैं, यहाँ से एक संदेश जाएगा पूरे भारत देश में कि सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग आकर के मिल करके सभी धर्मों को बढ़ावा दें और यहाँ पर आकर सजदा करें, सर झुकाते हैं। और हम भिलाई से ये सबके लिए हम एक मानवता की मिसाल पेश करते हैं कि हम सब एक हैं और आने वाले हजारों करोड़ों वर्षों तक के हम एक रहेंगे। भारत है तो हम हैं। आज मुहर्रम की 9वीं तारीख है और 9वीं तारीख का मतलब यह है कि सब मुसलमान धूमधाम से ताजिया को चौक में रखते हैं और फातिहा कराते हैं और समाज के साथ एक वो संदेश देते हैं कि भाईचारे का, कि आपस में एक दूसरे से मिल मिला कर रहें और एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते रहें हमेशा। आज जो गेस्ट आए थे, उन्होंने क्या संदेश दिया? उन्होंने संदेश दिया कि भाई हमारा भारत एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, सबको मिलकर रहना चाहिए भारत में, किसी प्रकार का ना इत्तफाकिया नहीं होनी चाहिए आपस में। भिलाई वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भिलाई वासियों को संदेश ये देना चाहेंगे कि भिलाई वासी जो हैं आपस में भाईचारे की तरह मिलकर हैं, एक दूसरे के त्यौहार में एक दूसरे के साथ मिला के काम करें और हर काम में एक दूसरे के। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भाई साहब का, जिनने हमें बुलाया है। और मुझे तो बहुत खुशी हुई कि उनने एक नई पहल किया, सभी समाज वालों को बुलाए और एकता की मिसाल कायम की, तो इसके लिए मैं बहुत 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 साधुवाद देती हूँ उनका और धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे ही भाईचारा बना रहे और ऐसे ही संदेश पूरे विश्व में देते रहे ताकि सभी समाज के लोग एक साथ एकजुट होके ऐसी हर त्यौहार और हर कार्यक्रम एक साथ मिलकर मनाएं। यही मैं एक संदेश देना चाहती हूँ पूरे समाज को। ये मुहर्रम के अवसर पर, आज मुहर्रम की 9वीं तारीख है, इस अवसर पर हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था करबला मैदान में, जिसमें हमारे एसपी साहब और उनके सभी साथी और टीम और हमारे सतपति साहब मौजूद थे। देवेंद्र यादव जी आए हमारे प्रोग्राम में और इस मिनी भारत, इस भिलाई में हम चाहते हैं कि एक अच्छा माहौल बना रहे, उसमें हमारा सहयोग देने के लिए सभी ने आया और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए और भिलाई में एक मिसाल कायम किया गया। इसमें बहुत समाज के लोग और भी सारे समाज के लोग शामिल हुए, जिनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इस मिनी भारत में आपस और मोहब्बत से रहने के लिए और हर त्यौहार प्यार और मोहब्बत से मनाने के लिए हम आह्वान करते हैं और एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करने के लिए आह्वान करते हैं। बहुत बहुत सबका शुक्रिया जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमारा साथ दिया। पुलिस प्रशासन का, एसपी साहब का, सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
वहीं मुहर्रम करबला कमेटी ने मुहर्रम की नवी तारीख को रखे गए प्रोग्राम की जानकारी दी और उसका उद्देश्य भी बताया। वहाँ पे हम सब पुलिस अधिकारी भी उपस्थित हुए, शामिल हुए यहाँ पे, और यही संदेश सबको देना चाहते हैं कि त्याग और बलिदान का ये उत्सव है मुहर्रम जो है। हम अपने पूर्वजों के त्याग और बलिदान को याद रखें और समाज में एकता और अखंडता बना करके रखें, भाईचारा बना करके रखें, यही संदेश देने के लिए हम सब इकट्ठे हुए। हाँ, भिलाई मिनी भारत का स्वरूप है, सभी धर्मों के आयोजन प्रेम सद्भाव आत्मीयता से सभी लोग मनाते हैं। मुहर्रम के अवसर पर भी मैं सभी भिलाई वासियों को कहूँगा, सभी लोग प्रेम सद्भाव कौमी एकता के साथ आएँ और एक दूसरे के का धर्मों का सम्मान ही अपने अपने धर्म में हमें लिखा है, और सभी को प्यार देना, सभी को मोहब्बत करना, ये ही नारा हमारा है। और भिलाई भारत का स्वरूप है, कौमी एकता के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ते रहेंगे। मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ करबला कमेटी का, जिन्होंने इस मुबारक मौके पे मुझे बुलाया, और आज ये जो भिलाई है हमारा, ये मिनी भारत के नाम से जाना जाता है, और प्रेम का जो संदेश और भाईचारा की जो पहल इन्होंने करी है, अब हिंदू समाज भी दो कदम इससे आगे बढ़ के अपने हर आयोजन में इनको बुलाएगा, और भिलाई में अमन शांति प्रेम भाईचारा बना रहे, इसके लिए हम हृदय से इनके साथ। हमारे भिलाई शहर ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिसकी वजह से देश और दुनिया में भिलाई शहर को मिनी इंडिया का दर्जा दिया गया है। यहाँ के रहवासी सदैव एक दूसरे के सुख दुख में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और भिलाई शहर में कौमी एकता को बरकरार रखते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।